हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वैशाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स गुरुजी पर। आज हम यहाँ पर नोबेल पुरस्कार 2020 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम जो भी ये नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, जितने फील्ड में अब तक दिए गए हैं, अभी तक अर्थशास्त्र का यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं हुई है तो हमने वो कवर नहीं किया है। तो यहाँ पर फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन में जो चिकित्सा में दिया गया है, रसायन में, फिजिक्स यानी भौतिकी में जो दिया गया है, शांति पुरस्कार दिया गया है, शांति नोबेल पुरस्कार, और जो साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इस वीडियो में हम पूरा वही डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ट्रिक के साथ यहाँ पर मैं आपको याद कराने वाली हूँ, आप यहाँ पर ट्रिक के साथ इसको याद कर सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो नाम को याद करने में, क्योंकि आप नाम याद करने में थोड़े से क्या हो जाते हैं, बिचल जाते हैं कि कौन सा था। तो आज मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से नाम से ट्रिक के साथ यहाँ पर याद कराने वाली हूँ। तो जल्दी से, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे फिजियोलॉजी या मेडिसिन, या आप इसको चिकित्सा भी बोल सकते हैं। देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं 2020 के जो नोबेल पुरस्कार हैं वो तीन लोगों को दिए गए हैं। किस किस को? माइकल ह्यूटन को, हार्वे जे अल्टर को और चार्ल्स एम राइस को यहाँ पर ये पुरस्कार जो है दिए गए हैं। देखिए, माइकल ह्यूटन कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। हार्वे जे अल्टर अमेरिका के, और चार्ल्स एम राइस कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। तो इनको ये जो नोबेल पुरस्कार है ये क्यों दिया गया है? हेपेटाइटिस सी जो वायरस है उसकी खोज के लिए यहाँ पर इनको, ठीक है, हेपेटाइटिस सी की जो वायरस है उसकी खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? जब आपको डॉक्टर के पास जाना होता है चिकित्सा लेने के लिए तो आप क्या कहते हैं? माइकल यानी मैकल हार्वे जे अल्टर यानी हॉस्पिटल। आप इसको हार्वे अल्टर को कैसे कोड कर सकते हैं? हॉस्पिटल, हार्वे जे अल्टर हॉस्पिटल। मैं कल हॉस्पिटल चलूंगा, है ना, मैं कल चलूंगा यानी चाल से चलूंगा, राइस चलूंगा, राइस खाके, मैं कल हॉस्पिटल चलूंगा राइस खाके। तो माइकल ह्यूटन, मैं कल से क्या बन जाएगा? देखिए, मैं कल से आपका क्या बन जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। मैं कल हार्वे अल्टर, है ना, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से आपका क्या बन जाएगा? देखिए, हार्वे अल्टर, है ना, और यहां पर चार्ल्स राइस कैसे बनेगा, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, कोई बात नहीं। मैं कल, चलिए मैं इसको यहाँ पर रब करके दोबारा से लिख देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए इन सभी चीजों को, है ना। और यहाँ पर चलूंगा राइस खाके, है ना, खाके, ये खाकर, है ना। तो ये ऐसी कोड वर्ड में दिया गया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? चार्ल्स राइस। तो यहाँ पर आपको क्या, मैं कल हॉस्पिटल चलूंगा राइस खा के, मैं कल माइकल ह्यूटन हॉस्पिटल हार्वे अल्टर, यहाँ पर हॉस्पिटल, कुछ तो कोड आपको क्योंकि लगाना ही पड़ेगा, चलूंगा राइस मतलब चार्ल्स राइस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चिकित्सा के देख लिए और इनको किसके लिए मिला है? हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इनको मिला है। सेकेंड है देखिए आपका यहाँ पर रसायन विज्ञान, किस कौन से फील्ड है सेकंड? रसायन विज्ञान में किस किस को मिला है? एमयूएन चार्ले पेंटियर, है ना, एमयूएल चार पेंटियर और जेनिफर डॉडना को यहाँ पर मिला है। तो देखिए, ये जो एमेन्युएल है ये फ्रांस से हैं और ये जेनिफर डॉडना क्या है? यूएसए की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको मिला है, इनको क्यों दिया गया है? जीनोम जो एडिटिंग है, जीनोम एडिटिंग उसकी नई पद्धति की खोज के लिए इनको दिया गया है। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? रसायन मतलब बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे केमिकल। अब देखिए कैसे करेंगे आप याद, कारपेंटर ने मैन्युअली मतलब हाथ से, खुद से कारपेंटर ने मैन्युअली घर को क्या किया? पेंट किया, बहुत सारे केमिकल डालकर, रसायन डालकर। और जेनिफर से आपका देखिए क्या बन जाता है यहाँ पर? जेनिफर यानी निखार, जेनिफर, जेनिफर यानी निखार, निफर से अगर आप देख सकते हैं, निफर यानी निखार, निफर मतलब निखार। तो घर में क्या आ गया? निखार आ गया, बहुत सारे केमिकल डाले कारपेंटर ने,
चारपेंटियर से क्या बना यहाँ पर कारपेंटर, एमेनुएल से क्या बना मैनुअल, देखिए मैनुअल है ना, और निफर से क्या बना निखार। तो यानी कारपेंटर ने बहुत सारे केमिकल डाल के मैनुअली क्या किया, घर को पेंट किया और उसमें निखार आ गया। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, रसायन विज्ञान के आपके नोबेल पुरस्कार हैं। आगे चलते हैं फिजिक्स के, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, ट्रिक पसंद आ रही है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम है 12 अक्टूबर में, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके CHSL के लिए, आगे भी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिजिक्स की अगर हम बात करें, फिजिक्स के क्षेत्र में किसको दिया गया है, रोजर पेनरोज को। ये कहाँ के हैं, ब्रिटेन के। एंड्रिया गेंज ये कहाँ की है, अमेरिका की। और यहाँ पर रेन हार्ड गेंजल ये कहाँ की है, जर्मनी के हैं। ठीक है, यहाँ पर इनको तीनों को क्या दिया गया है, फिजिक्स का, यानी फिजिक्स मतलब भौतिकी का, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आप फिजिक्स में, अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, आप फिजिक्स में समझिए बहुत कमजोर है, आपको फिजिक्स आती नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोज पेन से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, रोज पेन से प्रैक्टिस, यानी रोजर पेन रोज, रोज पेन से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको एडिया घिसनी पड़ेगी, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एडिया घिसना, एंड्रिया घेज मतलब आपको एडिया घिसनी पड़ेगी, ये फिजिक्स के हैं। और रेन हार्ड गेंजल, बहुत ज़्यादा हार्ड क्या करनी पड़ेगी, मेहनत, देखिए हार्ड यहाँ पर आपका आ गया इसमें नाम में, हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या याद किया, रोज पेन से लिखना पड़ेगा, एडिया घिसनी पड़ेगी, आपको हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप फिजिक्स आपकी क्या होगी, क्या होगी, फिजिक्स आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो यहाँ पर इन तीनों को ऐसे आप याद रख सकती हैं। आगे चलिए, आगे कौन सा है, देखिए शांति नोबेल पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है, विश्व खाद्य कार्यक्रम। ये तो वैसे आप याद भी रख सकते हैं, जब आप फूड खाते हैं, कहते रहते हैं सारे दिन मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है, खाना खा लेते हैं, क्या मिल जाती है आपको, शांति। तो शांति नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म WFP, या विश्व खाद्य प्रोग्राम। ठीक है, विश्व खाद्य प्रोग्राम को यहाँ पर ये क्या है, इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, रोम में है। देखिए जो इम्पोर्टेंट MCQs है वो उसकी एक वीडियो अलग से आएगी, अभी ये सिर्फ शॉर्ट ट्रिक की वीडियो है, ताकि जो एग्ज़ाम में आपसे अगर पूछा जाए तो आप बता सकें इस बार का 2020 के नोबेल पुरस्कार किस किस को दिए गए हैं। तो देखिए विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल पुरस्कार शांति का मिला है, यहाँ पर खाना खाते हैं आप, भूख आपकी शांत हो जाती है, तो इसीलिए शांति नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम। आगे चलिए, साहित्य नोबेल पुरस्कार ये किसको मिला है, लुईस ग्लक को मिला है, ये अमेरिकी कवियत्री हैं। कौन है ये, अमेरिकी कवियत्री हैं, लुईस ग्लक। अब देखिए जो साहित्य से रिलेटेड होते हैं, उनकी जो लुक होता है, लुक कैसा होता है, लुईस यानी लुक, लुक कैसा होता है, ग्लो करता है उनका लुक, तो लुक क्या करता है उनका, ग्लो करता है। तो मतलब देखिए लुक क्या होता है उनका, ग्लो करता है, तो यानी लुईस ग्लक लुक ग्लो करता है, लुक ग्लो करता है, याद रखिए लुईस ग्लक मतलब लुक ग्लो ग्लो करता है। तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला है किसको मिला है, लुईस ग्लक, ये कौन है, अमेरिकी कवियत्री है। समझ आया सभी को, याद हो गया बिल्कुल अच्छे से, इसको वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो यहाँ पर आपके जो भी नोबेल पुरस्कार है उसकी ट्रिक मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, आप इनको कैसे याद रख सकते हैं जल्दी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हमने यही डिस्कस किया, MCQ की वीडियोज़ आपकी अलग से आएगी, तो जो MCQ पढ़ना चाहते हैं वो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगी वीडियो, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और भी बहुत सारी करंट अफेयर्स की वीडियो पड़ी है, रीजनिंग की पड़ी है, मैथ्स की है, तो आप उन सबको भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पर मिलता रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।